भगवान की कृपा जिसे मिल जाए वो उत्तम उत्तम से महान बन जाता है। इसलिए कृपा पाए। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, सभी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। इस समय किया गया व्रत 1000 व्रत से अधिक माना जाएगा। एक व्रत आपका 1000 गुना फलदायक होगा। जो दो व्रत रखेगा, एक कटने के एक चढ़ता एक उतरता, तो जो शुरू में किया और लास्ट में किया उसका भी 1000 गुना फल मिलेगा। नमस्कार, इस वक्त हम राजा बली धाम में हैं और हमारे साथ यहाँ के जो संस्थापक हैं धाम के महाराज जी हैं, और महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बहुत कमेंट आते हैं, महाराज जी के लगभग हजारों से ज़्यादा व्यूअर हैं और इनके भक्त हैं, और हमारे पास कॉलें भी आती हैं, हम उनको सजेशन भी देते हैं आने का रास्ता, बहुत सारी चीज़ है। तो महाराज जी, जैसे जो दूर के लोग आते हैं, जैसे हमने आपसे बात की, मुनीर खान राजस्थान से आए हैं, तो ऐसे लोग जब दूर से आते हैं तो उनको जो है बहुत विश्वास होता है कि हम अगर 2400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर से जा रहे हैं तो उनके अंदर एक प्रकार से भक्ति का भाव होता है, और प्लस दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर इस विश्वास से आता है तो क्या उम्मीद रखे वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक होगा। मैं उनके लिए ज़रूर अर्जी दूंगा कि महाराज, आपके दरवाजे कोई भी धर्म का लोग आए, हम मानव कल्याण कर रहे हैं, कोई भी मनुष्य हमारे दरवाजे आएगा तो मैं महाराज से विनती करूँगा कि वो खाली ना जाने पाए, उसको ज़रूर आराम मिले, उसे राहत मिले और उसे शांति और आनंद महसूस हो कि हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ मिला है, हमें आराम और फ़ायदा मिला है, और ज़रूर मिलेगा और हम उन्हें ज़रूर मिलेंगे। हम पता लगाते रहते हैं कि जो दूर से लोग आए हैं उन्हें हम पहले बुलाते हैं और उनसे हम ज़रूर मिलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का समय उन्हें हम ज़रूर देते हैं। और महाराज जी, एक बात यह है कि जैसे कुछ लोग आपके धाम में आते हैं, कभी उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस समय वो क्या करें कि उनको तत्काल घर पे कुछ लाभ मिल जाए? आपके यहाँ आते हैं धाम में, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है बीच में, तो बोलते हैं भैया जी महाराज जी का नंबर दे दो, तत्काल बात करनी है, ऐसा है वैसा है, तो वो कैसे है कि मतलब 2-4-10 मिनट के लिए, 1-2 दिन के लिए आराम पा जाएँ, क्या करें वो? हमारे यहाँ जो भक्त आते हैं उनको सबको पता है कि हमारे यहाँ का नियम है कि घर में अगर रात में मान लो 12 बजे नाती की तबीयत ख़राब हो गई, बेटे की हो गई या बहू की हो गई, तो आप 3 कदम चल के अपने ही घर में 1-2-3 कदम चल के वहीं मत्था टेकिए और हाथ जोड़ कर कहिए कि हे राजा बल महाराज, हम आपके दरवाजे आते जाते हैं, हमारे बच्चे को तकलीफ़ है, इसको आराम दिलाइए, 10 मिनट में वहीं आराम मिल जाएगा, यही शक्ति है महाराज। और महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया, भक्तों को बताया है कि महाराज जी का वीडियो देखने मात्र से भी 30% आराम मिलता है, तो वो देखने के बाद शेयर भी करना है कि सिर्फ देखना है, क्या उसका नियम है? अब महाराज ने यही बताया कि आप देखो और जब आपको मिलेगा तो आपकी इच्छा शेयर कर दो और लोगों को बताओ। नहीं, जब देखेंगे तो भक्ति का भाव होगा, देखेंगे जब विश्वास बढ़ेगा तो आराम, जाहिर सी बात है, आराम मिलेगा तो और को बताएंगे कि दीदी तुम बीमार हो, हाँ ये वीडियो महाराज का देखिए, शायद आपको भी आराम मिल जाए। और एक दिन वो अगर 6-7 वीडियो उन्होंने देख लिया तो एक दिन वो ज़रूर धाम तक आएंगे और उनका दुख कट जाएगा। महाराज जी, एक भक्त यहीं आते हैं, आज 3रा दिन है उनका, दूर के हैं, उनकी पत्नी से अनबन हो गया, जैसे जुआ खेलती है ऐसी लत उसकी लग गई है बड़े लोगों के साथ में, वो बेचारे काफ़ी दिन से परेशान हैं, नाम नहीं बताएंगे, तो आपके दरबार में आ रहे हैं, क्या उम्मीद करें? उनके बड़े बड़े बच्चे भी हो गए हैं, वो ना उसको तलाक दे सकते हैं, ना भगा सकते हैं, ना तो रख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी है कि वो जुआ खेल के पैसा उनका पूरा कमाई ख़त्म कर दिया, अमेठी में खेल के पूरा बर्बाद कर दिया, वो क्या उम्मीद रखें आपसे? हम उनसे मिलेंगे, उन्हें अकेले में 10 मिनट का टाइम देंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, महाराज को अर्जी देंगे और महाराज की कृपा होगी तो फिर अपनी पुनः उसी लाइन पर आ जाएंगे जहाँ थे वो। और महाराज जी, कुछ व्यूअर ये कमेंट किए हैं और जुड़े भी हुए हैं कि जैसे कुछ महिलाओं के सपने में शैतान आते हैं, वही है जिन्नात, जो जिन्नात वो पति के भेष में आते हैं, काले आदमी के भेष में आते हैं, कुछ पुरुषों के सपने में भी सेम यही चीज़ होता है। अभी जो मैंने लक्षण बताया है कि जिनकी कमर में दर्द, गर्दन पे दर्द, सिर में दर्द और चिड़चिड़ापन होना, खराब सपने मिलना, जो बताया मैंने उसी का संकेत दिया, ये मतलब शैतानी ताकतें हैं। तो आप आइए और आपका दुख का निवारण होगा, उससे तमाम बीमारियां भी बन जाती हैं, जैसे लिकोरिया की और दाँत की, तो बीमारियां बन जाती हैं, तो वो सब उसी का लक्षण है। महाराज जी,
अक्सर हम बताते हैं तो यकीन नहीं होता है यहाँ रहने खाने की क्या सुविधा है, जैसे कोई दूर का भक्त आता है तो। दूर के लोग आते हैं, अभी तो मेरे पास उस तरीके की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन भोजन दोनों टाइम मिल रहा है। सुबह के समय खिचड़ी मिलती है, हल्का भोजन, शाम को दाल चावल रोटी मिलती है, दाल सब्जी रोटी मिलती है। और जो भी लोग आते हैं सबको भोजन दोनों टाइम मिल रहा है, और रहने के लिए टीन सेट छाए गए हैं। आप आइए, एक चटाई और एक चदरा लेके आइए, या यहाँ पर चदरा भी मिल जाएगा, चटाई भी, दुकानें हैं जो ले सकते हैं, और लेकर 3 दिन रहिए। अगर आपको आराम मिलता है तो फिर 2 दिन और लगा लीजिए, और नहीं मिलता है तो 3 दिन में आप चले जाइए दर्शन करके। और महाराज जी, नवमी दशमी जैसे आएगी, इस पर कोई विशेष कार्यक्रम यहाँ है जो भक्तों को बताना चाहें? हाँ, 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 हमारे यहाँ अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी रामायण का श्री रामचरितमानस का पाठ जो निश्चित किया गया है, जो रखा जाएगा 24 घंटे के लिए। उसके बाद नवमी को हवन होगी रामायण की, और उसके बाद भंडारा हो जाएगा, और उसके उपरांत नवरात्रम में ही हमने 5 स्कूलों को भोजन करवाने के लिए वो रखा है, प्रोग्राम रखा है कि जो 5 स्कूल के बच्चों को भोजन करवाया जाएगा, जो पंचमी से शुरू हो जाएगा, और इसके लिए बातचीत चल रही है। अगर वो लोग यहाँ आने के लिए राजी होंगे तो यहाँ खिलाएंगे, अगर वो लोग उनके स्कूल में चाहेंगे तो हम उनके स्कूल में राशन पानी लेके जाएंगे और उनके बच्चों को भोजन करवाएंगे। इस नवरात्र में यही मेरा विचार है। अभी आप महाराज राजा बलि धाम के जो संस्थापक हैं महाराज जी को सुन रहे थे। ये थाना सांगीपुर अंतर्गत राहा टीकर के पास में ये धाम है, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।